राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमकुम जोशी व्लॉग्स। सो गाइज, आई होप आप सभी अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरी तबीयत ठीक मेरे बर्थडे के टाइम पे ख़राब हुई थी और अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में थोड़ा वेदर यही हो रहा है ना कि अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है ये होने वाला है Q&A व्लॉग, और इस व्लॉग के लिए लोगों ने बहुत वेट किया, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने बहुत वेट करवा दिया। तो आज का व्लॉग, मतलब मैंने 15 क्वेश्चन लिख रखे जो कि बहुत पूछे गए थे, जैसे एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो मैंने वही क्वेश्चन लिखा है। तो जो बाकी के क्वेश्चन होंगे मैं अगले Q&A में, मतलब जो मैं अगली बार Q&A करूँगी मैं उसके लिए भी आपको बता दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? तो बेसिकली मैं धारचूला से हूँ, धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन, योर एज? तो मेरी एज, चलो आप गेस करो मेरी एज क्या है, पर मैं बाद अगले Q&A में बताऊँगी पक्का। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स रियल नेम? कुमकुम का मीनिंग? तो मेरा रियल नेम ही कुमकुम है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने, मतलब होते ना कोई नाम चेंज करके आईडी बनाते, तो मेरा कुमकुम ही है, मैं क्यों नाम बदलूँगी। और कुमकुम का मतलब होता है सिंदूर, तो मतलब जितना मुझे पता है कुमकुम का मतलब सिंदूर होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, आर यू ए स्टूडेंट? तो हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। पांचवा क्वेश्चन, वृंदावन कब जा रही हो? वृंदावन जाना तो सपना है यार कसम से, जब बुलावा आएगा तो जरूर जाऊंगी। छठा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब भाई इतना पूछा गया है, मतलब दो तीन क्वेश्चन के बाद सेम क्वेश्चन की ये, तो मैं आपको इसका आंसर जरूर देना चाहूँगी। आप सौरभ जोशी को जानते हो क्या? मैंने 3-4 क्वेश्चन एक ही में लिख रखे, यू नो सौरभ जोशी? दीदी अगर आप जोशी फैमिली से हो तो सौरभ जोशी से भी मिली होंगी ना। तो पहली बात, मैं सौरभ जोशी को सिर्फ एज अ यूट्यूबर जानती हूँ, पर्सनली मैं उनको नहीं जानती हूँ। और रही बात, मैं जोशी हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं जोशी हूँ तो मैं उनको जानती हूँगी। हाँ मतलब नाम सुना है सौरभ जोशी, देखा भी है, यूट्यूबर है, अच्छे खासे यूट्यूबर है उत्तराखंड के, तो देखा है, बट मैं पर्सनली उनको नहीं जानती, ना मैं उनकी कोई रिलेटिव हूँ, ना कुछ कोई हमारा कोई फैमिली रिलेशन है, कुछ नहीं ऐसा। सातवां क्वेश्चन, आप मराठी हो? और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, आपको मराठी आती है? तो मैं मराठी नहीं हूँ। हाँ मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे अपने पापा की फ़ोटो डाली थी जिसमें पापा ने येलो कुर्ता पहना था और टोपी पहनी थी, तो उसमें लोग सोचते थे कि हम मराठी, तो हम मराठी नहीं है यार। और मराठी लैंग्वेज मतलब थोड़ी बहुत समझ आती है, अगर जैसे कोई सामने से बोले तो थोड़ी बहुत समझ लूँगी, बट ऐसी प्रॉपर नहीं आती मुझे। आठवां क्वेश्चन, हाउ द लाइफ चेंज्ड फॉर यू? द सॉन्ग राधा तो मन की रानी है, लव फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच। तो इस सॉन्ग ने हाँ पूरी लाइफ बदल दी, मतलब जो नॉर्मल लाइफ थी, अब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे लोग पहचानते, कह रहे तो वही है, तो अच्छा लगता है कि जिसको हम मानते, जिस भगवान को हम मानते, उनके उससे कोई जान रहे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। बट उनसे कंपेयर करना तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, बट हाँ थोड़ा ये होता है कि एक नाम मिल गया, एक फेम मिल गया, लोगों से इतना प्यार मिला, तो इससे तो बहुत चेंज हुई है लाइफ। नवा क्वेश्चन सेम, आप सौरभ जोशी की बहन हो क्या? मैं सौरभ जोशी की बहन नहीं हूँ यार। दसवा क्वेश्चन, यार दीदी एक रील मराठी सॉन्ग पर बनाओ ना। तो ये मैंने सोचा था कि मैं मराठी सॉन्ग पर बनाऊँगी, बट ये होता है ना कि अकेले रह के मराठी वीडियो, मराठी लुक करना इजी नहीं होता, क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं कि मराठी साड़ी कैसे, मैं पहना दूँगी बट मैं पहन नहीं पाती हूँ, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ है, मेरे को वो फुल गेटअप दे, तो मैं पक्का बनाऊंगी। 11वां क्वेश्चन है, हाउ वाज योर फीलिंग नाउ आफ्टर वायरल? तो फीलिंग तो क्या बोलूँ, वैसी है। तो 12वां क्वेश्चन है, दीदी आपका रिएक्शन क्या था जब आपने देखा कि मेरे 3 मिलियन व्यूज़ आए हैं राधा वाली सॉन्ग पे? तो सच बताऊँ मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरा रिएक्शन क्यों नहीं था। जब ये वीडियो में मेरे 1 मिलियन गए, मतलब मैंने नॉर्मल जैसे मैं और वीडियो डालती हूँ, मैंने वैसे ही ये वीडियो भी डाला था, मतलब ये मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इसमें मेरा ऐसा होगा, ये होगा, कुछ नहीं सोचा था। तो
जब मैंने वीडियो डाली 1 मिलियन व्यूज आए, तो इंस्टाग्राम खोल के बार बार देखे बार बार देखे, उतना ध्यान नहीं रहता है। पर जब ऐसा हुआ ना कि उस वीडियो की वजह से मम्मी पापा को शॉप में आके लोग बोलते थे कि अरे तुम्हारी लड़की तो वायरल हो गई, फेमस हो गई, तो उस टाइम पे अच्छा लगता था कि हाँ कुछ अच्छे वे में हमने किया है। तो खुशी तो थी कि इतने हो गए, मतलब जो हम लोगों का देखते थे ना 1 मिलियन लाइक है, इतने हैं, तो वो चीज़ जब खुद को मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो 13वां क्वेश्चन है बर्थडे। तो मेरा बर्थडे था 15 जुलाई, जो रिसेंटली था। 14वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबी प्लीज़ टेल मी। तो मेरी हॉबी बेसिकली, मैं 12th तक आर्ट साइड की स्टूडेंट थी, तो मतलब जैसे एपन वगैरह हो गए, मैं आपको अभी यहाँ पे फोटो, कई फ़ोटो लगा दूंगी मैं आपको, आप देख लेना जो मैंने बनाए, एपन हो गए। और मतलब जब मैं खाली बैठती हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अगर मेरा मन करे, मैं कुछ ना कुछ, मन होना चाहिए कि ये करना है वो करना है, कपड़े में पेंटिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो अच्छा लगता है गणेश जी बनाना, ये बनाना, तो यही है फिलहाल हॉबी। 15वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कैमरा यू मेक रील बिकॉज इट्स सो क्लियर। तो मैं बनाती हूँ अपने आईफोन से, आईफोन 11 है मेरे पास, बट मुझे कहीं कहीं अभी इसकी क्वालिटी भी उतनी खास नहीं लगती है। तो इन फ्यूचर मैं काफ़ी अच्छा अपना एक यूट्यूब का पूरा सेटअप लूँगी, बस आप लोग साथ देना। तो हाँ, ये थे मेरे 15 क्वेश्चन, बाकी जिन जिन को आंसर नहीं मिला मैं नेक्स्ट Q&A ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है। मैं या तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप इंस्टा पे मैसेज कर देना क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको पक्का आंसर दूंगी। तो बस आज का व्लॉग करते एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।